हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फर्स्ट इंट्रोड्यूस टू माय न्यू बेबी, हिज नेम इज वायु एंड हिज 10th मंथ ईयर ओल्ड। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूँ। सोचा मैं एक वीडियो बनाऊँ स्पेशली न्यू मम्मीज के लिए, या फिर जिनके न्यू क्या एक दो या तीन बेबी भी है, जितने भी बेबी हैं उनके लिए भी, क्योंकि कितने भी बेबी हो जाए हर मदर की यही इच्छा रहती है कि उनका बेबी एक हेल्दी बेबी बने, स्ट्रॉन्ग बने, उसका ओवरऑल डेवलपमेंट, उसको पूरे न्यूट्रिशन मिले। तो इसके लिए बहुत से एक्सपेरिमेंट्स सब मम्मी करती रहती है ना, ऐसा होता होगा। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए, ये मेरा छोटू सा 10th मंथ का बेबी है वायु। तो आजकल क्या होता है कि सब मम्मा वरीड रहती है कि मैं अपने बेटे को या बेटी को या अपने बच्चों को क्या न्यूट्रिशन दूँ, क्या दूँ वो हेल्थी हो जाए, उनकी बॉन्स स्ट्रॉन्ग हो जाए। स्पेशली आफ्टर कोविड हम सब में ये चीज़ें बहुत डेवलप हो गई हैं कि हमें हेल्दी डाइट लेनी है, हेल्दी खाना खाना है, बच्चों को स्ट्रॉन्ग रखना है, इम्यूनिटी उनकी स्ट्रॉन्ग रखनी है ओवरऑल। तो यूट्यूब पर बहुत सर्च करते हैं या और किसी प्लेटफॉर्म पर भी हम लोग वीडियोज़ देखते हैं, उसमें जो भी हमें इंग्रेडिएंट या जो कुछ भी हमें मिलता है हम देना शुरू कर देते हैं। हम ये नहीं देखते कि हमारे बेबी को वो सूट कर रहा है कि नहीं, या वो देना उस स्टेज में ठीक है या नहीं। आप कुछ भी देखिए लेकिन उसको बहुत कंसिडर करिए उस चीज़ को कि आपके बेबी के लिए उस स्टेज पर वो फूड देना सही है या नहीं है, या आपका बेबी उसको अच्छे से खा रहा है, उसको डाइजेस्ट कर पा रहा है उस इंग्रेडिएंट को जो भी आप दे रहे हैं या नहीं। सिंपल, आई नो ये शायद सब चीज सब लोग कंसिडर करते ही होंगे इस चीज़ को, या ये भी सोचोगे कि कौन सी इसमें नई बात है। हम लोग कंसिडर करते हैं ऑब्वियसली कि बेबी को डाइजेस्ट हो रहा है या नहीं, या उसके लिए हेल्दी है नहीं, सब चीज़ें सब मम्मा ये देख कर ही अपने बच्चों को खाना देती हैं। बट कई बार हम क्या होता है ना, एक हेल्दी डाइट के चक्कर में एक रूटीन फॉलो कर लेते हैं जो भी हमें दिखता है कि हाँ हमने YouTube पर ये चार्ट देखा था, उसमें इस टाइम ये आज ये था ये था ये था, और हम भी अपने बच्चों को देना शुरू कर देते हैं। तो प्लीज़ ऐसा मत करिए। आप थोड़े थोड़े इंग्रेडिएंट से थोड़े थोड़े से स्टार्टिंग कीजिए। लाइक आफ्टर 6 मंथ हम लोग क्या करते हैं, हम देना स्टार्ट कर देते हैं अपने बेबी को फूड। तो आप थोड़े थोड़े से स्टार्ट करिए, मीठे से शुरुआत ज़्यादा करिए, क्योंकि बच्चों में नमक का टेस्ट तो डेवलप ऑटोमेटिकली हो ही जाता है, वो नमकीन उन्हें ज़्यादा अच्छा लगता है। बट यही वो स्टेज होती है जिसमें कि आप उनको मीठा खाने की ये चीज़ डेवलप कर सकें, उनके टेस्ट बड डेवलप कर सकें, उनका टेस्ट डेवलप कर सके। क्योंकि बच्चों में आप कुछ भी दें लेकिन मेन है कि उनका वो टेस्ट डेवलप हो। अगर आप उसको कैरेट की खीर या साबुदाने की खीर, सूजी की खीर, आलू का हलवा कुछ भी दे रहे हैं तो आप उसको सिर्फ 2 या 3 स्पून से स्टार्ट करिए, आप 3 स्पून के लगभग बनाइए। और अगर आपका बच्चा वो 1 स्पून भी खा रहा है ना, तो इनफ, आपकी मेहनत सफल है। ये मत कर सॉरी ये मत करिए, ये बहुत शैतान है, मैं बहुत शैतान हूँ। ये मत करिए कि आपने क्या कहते हैं, मैं आपने आधी कटोरी अगर बनाई है तो आप ये सोचिए कि नहीं मुझे तो ये पूरा ही देना है, पूरा ही खिलाना है, ऐसा बिल्कुल मत करिए गाइस। क्योंकि छोटे छोटे बच्चे होते हैं, इनका छोटा सा टमी होता है, अगर वो 1 स्पून भी ले रहे हैं तो सफिशियंट है। आप बहुत छोटे से कम उससे शुरुआत करिए। मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मेन टॉपिक पे ही आती हूँ। मैंने सोचा कि वीडियो से शेयर करूँ आपके साथ, बनाऊँ, क्योंकि अधिकतर ऐसा होता है कि हम दूसरे बेबीज़ को देखते हुए कि अरे उसका बेबी तो ये भी खाता है और मैं भी दूंगी, इन सब की ना एक होड़ सी लग जाती है, होता है ऐसा। क्योंकि हर माँ अपने बच्चे को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहती है, उसे हेल्दी डाइट देना चाहती है। बट ये चीज़ भी कंसिडर करिए कि हर किसी का डाइजेशन अलग होता है, हर किसी का टेस्ट अलग होता है, और हर किसी की फीडिंग कैपेसिटी भी अलग होती है। यू डोंट बिलीव, मेरा 6 ईयर ओल्ड बेबी है और अब तक वो उसको रो में अगर कोई भी वेजिटेबल देती हूँ तो वो नहीं खा पाता है। इवन उसने मीठा भी अब खाना शुरू करा है, और वायु को मैं स्टार्टिंग से मीठा ज़्यादा दे रही हूँ, जिससे मुझे ये चीज़ मतलब ये खाता है तो मैं देना भी स्टार्ट में किया है। तो मैं स्टार्ट करती हूँ अपने बेबी का रूटीन। 10 मंथ का ये हो चुका है, कंप्लीट होने जा रहा है, और 9.5 मंथ का हो गया है। मैं इसकी दिन की शुरुआत करती हूँ दूध और ग्लूकोज बिस्किट से। ग्लूकोज बिस्किट इज़ अ वेरी गुड सोर्स, आपके बेबी को एनर्जी की नीड होती है, तो अगर आप उसको 1 या 2 बिस्किट अगर आप दे रहे हैं तो बहुत अच्छा है, उसकी बॉडी के लिए भी अच्छा है, और उसका वो बच्चे अच्छे से मज़े से खा भी लेते हैं। तो आप दूध बिस्किट से स्टार्ट मैं करती हूँ। मुझे नहीं पता आप स्टार्ट कर किस चीज़ से करते हैं, बट मैं अपना एक थोड़ा सा अपने बच्चे का रूटीन आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। आई होप किसी की हेल्प हो जाए या किसी को पसंद आ जाए।
तो उसके बाद ये थोड़ी सी नैप लेता है, उसके बाद उठता है तो मैं उसको दूध लेती हूँ, थोड़ा सा मिल्क लेती हूँ, नहीं तो कोई फ्रूट अगर एप्पल हुआ तो उसको ग्राइंड करके आप थोड़े से एक स्लाइस को ग्राइंड करिए और मिल्क में बॉयल करिए एंड स्ट्रेनर से स्ट्रेन करके उसको पिला दीजिए बच्चे को, तो बच्चे खा लेते हैं। बट ये ध्यान रखिएगा, जब भी आप एप्पल से शुरुआत कर रहे हो, एप्पल दे रहे हो, तो एप्पल कई बार बच्चों को भारी कर जाता है, तो आप थोड़ा सा ही उसको दें और थोड़े दिन, एक दो दिन कंटिन्यू दें और ऑब्जर्व करें कि वो बच्चों को डाइजेस्ट आपके कर रहा है या नहीं कर रहा है। क्योंकि किसी को डाइजेस्ट करता है, वायु को डाइजेस्ट नहीं हुआ था, इसको मैंने 3 डेज रेगुलर दिया तो उसको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रही और वॉमिट की प्रॉब्लम भी रही, उससे पहले इसको नहीं थी। तो यानी कि एप्पल से इसको थोड़ा सा, मुझे लगा था कि एप्पल से इसको हो रहा है, फिर मैंने एप्पल बंद किया कुछ दिन, फिर इसको बनाना मैश करके दिया, बनाना इसको अच्छे से डाइजेस्ट हुआ, पपाया दिया। तो इस तरह से चेंज कर करके आप बच्चों को दे सकते हैं। उसके बाद आप दिन में बच्चों को मूंग की दाल की खिचड़ी बहुत पतली सी आप बना के खिला सकते हैं, या फिर आटे का हलवा आप बनाकर खिला सकते हैं, वो बहुत अच्छा सोर्स है बच्चों में। क्योंकि इस टाइम पे बच्चे क्रॉल करते हैं, वॉकर में घूमते हैं और चलने के लिए भी प्रैक्टिस करते हैं, तो उनको बहुत एनर्जी की नीड होती है, तो आप उनको जितना मीठा देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। मीठा आप ये नहीं कि बहुत ज़्यादा उनको शुगर मीठा डाल रहे हैं, बस ये है कि नमकीन के बजाय आप मीठी डिशेज़ उनको दीजिए। उसके बाद आप, मैं इसको रात में फिर सैरलेक, ये इसको सैरलेक का बहुत शौक है, मैं एक टाइम तो इसको सैरलेक देती देती हूँ और ज़्यादा मैं नहीं देती हूँ, क्योंकि यू नो कि सबको पता है कि प्रिजर्वेटिव्स ज़्यादा देना बच्चों को ठीक नहीं होता है, जब हम नहीं इतना प्रिजर्वेटिव्स खाते हैं तो छोटे से बच्चों को कैसे दें। तो एक टाइम मैं इसको सैरलेक देती हूँ और रात में मैं इसको दाल ज़रूर पिलाती हूँ, बिना दाल पिलाए मैं बिल्कुल नहीं सुलाती हूँ। तो ये मेरा एक छोटा सा हेल्दी सा रूटीन है, इसके साथ मैं चेंज करती रहती हूँ। वेजिटेबल आप भी कर सकते हैं, जैसे ब्रोकली एक पीस से स्टार्ट कीजिए, कैरेट 2-3 पीस कैरेट के ले लीजिए और एक पीस ब्रोकली का ले लीजिए, आप उसको कुकर में बॉयल करिए, सब्जी बनाइए बिना ऑयल के, आप उसमें हल्का सा जीरा पाउडर डाल सकते हैं और अगर बेबी को घी डाइजेस्ट अच्छे से हो रहा है तो थोड़ा सा आप घर का घी अगर मिल जाए तो बेटर है, तो आप वो करके उसको मैश करके खिला सकते हैं। बच्चे बहुत अच्छे से खाते हैं और इससे ना उनके टेस्ट भी डेवलप हो जाते हैं, वो सब्जी का जो भी आप वेजिटेबल दे रहे हैं उसका, उसको टेस्ट जो है वो बहुत मैटर करता है। ये नहीं कि आप कुछ भी खिला रहे हैं, ऐसा मत करिए, थोड़ा सा उसको देखिए कि किस क्या चीज़ उसको पसंद है। जैसे वायु को कैरेट की सब्जी बहुत पसंद है, दाल ये इतने शौक से नहीं खाता है, मूंग की दाल की खिचड़ी इसको बहुत पसंद है, तो ये दो चीज़ें, और आटे का हलवा इसको बहुत पसंद है, सूजी का हलवा पसंद नहीं है। मीठे में भी आप बच्चे की वैरायटी जब आप रेगुलर चेंज कर करके खिलाते हैं तो आप ऑब्जर्व करिए कि आपके बच्चे को क्या चीज़ पसंद आ रही है, ये बहुत ज़रूरी है। तो जो चीज़ पसंद आ रही है आप उसको थोड़ा सा रेगुलर में वे में रखिए, और बाकी तो सब मम्मा बहुत इंटेलिजेंट होती है अपने बच्चों को बहुत हेल्दी फूड देने के लिए। बट क्या होता है ना कि हम दूसरों को देख देख के या फिर यूट्यूब ऐसे ही चार्ट्स देख देख के हम अपने बेबी को भी यही देना शुरू कर देते हैं कि ये देना है वो देना है, इस तरह से मत करिए, बहुत थोड़ा थोड़ा ट्राई करिए और बिल्कुल टेंशन फ्री होके, क्योंकि जो भी आप दे रहे हैं वो ऑलरेडी सब मम्मा जानती हैं कि बहुत हेल्दी होता है, जो हेल्दी दे रही हैं सब अपने बच्चों का बहुत ख्याल रख रही हैं। उसका बच्चा कैरेट खाता है, मेरा बच्चा खाता नहीं, उसका बच्चा ब्रोकली खाता है, मैं भी ब्रोकली दूंगी, बट ब्रोकली आपके बच्चे को डाइजेस्ट नहीं हो रही है और आपको ब्रोकली देनी है, तो इस तरह से मत करिए। अगर आपका बच्चा कुछ और खा रहा है तो वो भी हेल्दी है, मेन है आपके बच्चे के खाने की एबिलिटी को डेवलप करना, उसके टेस्ट को डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए जब ये चीज़ डेवलप होती है ना तो बच्चे ओवरऑल पूरा फुल डेवलप हो जाते हैं। मेरा ये शैतान सिंह इसको सी हाय इसको आटे का हलवा बहुत पसंद है और कैरेट की सब्जी बहुत खानी पसंद है, तो मैं इसको चेंज कर हर दूसरे दिन मैं ये देती रहती हूँ। इवन अब तो मैं रेगुलरली इसको रोज़ दे ही देती हूँ, क्योंकि अब थोड़ा सा डाइजेशन में इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, 6-7 मंथ तक थोड़ा सा प्रॉब्लम रहती है बच्चों को डाइजेस्ट होने में, उसके बाद बच्चा अच्छे से डाइजेस्ट करना शुरू कर देते हैं। तो आपका जो भी आपके बेबी को पसंद आई चीज़ें आप वो दीजिए, और मेरी वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ थोड़ा सा लाइक कर दीजिए, थोड़ा सा नहीं मतलब पूरा लाइक करें। एंड सी बाय बाय, मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ, किसी और इंटरेस्टिंग सी टॉपिक के साथ आपके साथ। टिल देन बाय बाय, सी बाय, वाई यू बाय बाय, ओके बाय फ्रेंड।